और चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में 128 सहकारी समितियां हैं, जहां पर 91 समितियों पर निर्विरोध चुनाव किया गया, वहीं 4 समितियों पर तकनीकी कारण चुनाव निरस्त कर दिया गया। इसी के साथ 33 समितियों पर पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक वोटिंग की गई है और चुनाव के दौरान मतदाताओं ने अपने कामकाज छोड़कर मतदान किया। वहीं वृद्ध मतदाताओं को लोग गोद में लेकर मतदान करने के लिए मत केंद्र पहुंचे, जिसके बाद चुनाव का रुझान आने पर जीते हुए प्रत्याशियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वहीं डायरेक्टर पद के लिए जीते हुए नव निर्वाचित डायरेक्टरों ने जीत को लेकर मतदाताओं को बधाई दी है। ये चुनाव सोसाइटी का चुनाव हुआ है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव हुआ है और डायरेक्टर का चुनाव हमने जीता है साहब। जीतने के बाद में आगे अध्यक्ष का चुनाव होना है। जी, तो आपको क्या लग रहा है अध्यक्ष का चुनाव कौन लड़ेगा? अध्यक्ष की पूरी दावेदारी है हमारी, पूरी तरह से दावेदारी है हमारी। सर, चुनाव को जीत को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते? जनता को संदेश ये देंगे, मेरी जीत नहीं है, पूरी जनता की जीत है। जितनी मेरे जैसे के साथ लोगों ने इतनी मेहनत से जो है वो किया है, तो मैं उसको जिंदगी भर भुला नहीं सकता हूँ। डायरेक्टर क्या रुझान रहा है? रुझान हमारे पक्ष में रहेगा। कितने वोटों से जीत हुई है? 22 वोटों से। पब्लिक का किस तरीके से ना पब्लिक, मेरी जीत का चुनाव पब्लिक की जीत है। आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी ये है कि अध्यक्ष की देखो, पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक की जीत है, मेरी कोई जीत ना है। पब्लिक की जीत है, हाँ मेरी कोई जीत ना है। पब्लिक सपोर्ट करेगी तो हाँ, अगर हम चुनाव लड़ेंगे। आज मैं सहकारी समिति लिमिटेड अकरावा से एक डायरेक्टर का चुनाव लड़ा और अपने जीवन में पहला चुनाव है मेरा। तो क्या रुझान है? और रुझान ये है कि जनता ने मुझे पूरा समर्थन दिया और दूने वोट से मेरी जीत हुई।